हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि मेरी एक वीडियो ने आज 10,000 व्यूज कंप्लीट किए हैं। नए यूट्यूबरों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। आइए इस किचन की डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो पूरा देखें। आइए फ्रिज के बराबर से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर ऊपर के बॉक्स में माइक्रोवेव रखा हुआ है। ये सेंटर में जो टाइल्स लगी हुई है मार्बल के ऊपर, इसके ऊपर लाइट फोकस कर रही है। आइए इसे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लास्ट में सिंक है। अब मैं इसके नीचे से आपको ये लाइट दिखा देता हूँ। अगर आप भी नई किचन की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी एडवाइज है इस लाइट को लगाना मत भूलना। ये पहली लाइट सिंक से सेंटर में चिमनी तक एंड हुई और ये दूसरी लाइट यहाँ से स्टार्टिंग होकर जहाँ से हमने किचन स्टार्ट करी थी वहाँ पर एंड हुई। आपने किचन के मार्बल टॉप पे नज़र तो डाली होगी। अब आपको बास्केट की डिटेल बता देता हूँ। हम स्टार्टिंग विकर बास्केट से करेंगे, तो इसमें आप कोई भी हरी सब्जी रख सकते हैं, आलू, प्याज और भी बहुत सारी सब्जियाँ जो आप इसमें रख सकते हैं जो फ्रिज में नहीं रखी जाती। इसके बाद में मैं आपको और भी बास्केट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये तीन ड्रॉर लगे हुए हैं, इसमें इनोटेक बास्केट हैं। ये सॉफ्ट क्लोज होता है। क्वाड्रो और इनोटेक में लगभग कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम ही होती हैं। कॉर्नर के लिए मैं आपको यही गाइड करूंगा। अगर आपके किचन में बर्तन ज़्यादा हैं तो क्राउजर ना लगाएं, यहाँ पर आप बहुत सारे बर्तन रख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आटे का ड्रम रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप वेट ज़्यादा रखते हैं तो ग्रैंड ट्रॉली ना लगाएं। चलिए नेक्स्ट बास्केट पे आते हैं। ये बोतल पुल आउट है जिसमें आप बोतल और छोटे डब्बे रख सकते हैं, तो इनमें लाइट वेट हो सकता है। ये आप किचन में बिल्कुल लगा सकते हैं। अब हम किचन के सेंटर में हैं। यहाँ पर तीन बास्केट लगी हुई हैं। ये कटलरी बास्केट है, इसके ऊपर यहाँ पर गैस चूल्हा और इसके ऊपर चिमनी लगाई जाती है। यहाँ पर बड़ी चिमनी लगी हुई है। इनोटेक बास्केट किचन के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये बड़ी बास्केट 6 इंच की और ये नीचे 8 इंच की बास्केट। इसके बाद में दूसरा बोतल पुल आउट। तो इस किचन में हमने जी प्रोफाइल हैंडल लगाए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्पेस सिलेंडर का होगा। चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका साइज़ आप 15 इंच रखेंगे। दोस्तों, इस किचन का स्ट्रक्चर मार्बल से बना हुआ है और कंप्लीट इसे वुडन वर्क से किया गया है। आगे अब हम कॉर्नर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप डी क्राउजल या कॉर्नर भी लगा सकते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर तीन इनोटेक बास्केट फिर से लगी हुई हैं। इनोटेक बास्केट के इनलेट अलग अलग टाइप के मिलते हैं जो आप हार्डवेयर शॉप से अपनी चॉइस से ख़रीद सकते हैं। उसमें प्लेट्स, कटलरी और भी बहुत सारे इनलेट होते हैं। लास्ट में यहाँ पर सिंक है। अब हम ऊपर की साइड में आते हैं। इन्होंने यहाँ पर आरओ लगाया हुआ है। आप यहाँ पे GTPT का ऑप्शन भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर ऊपर के स्टोरेज में सभी में हमें एक एक सेल्फ डालना है जिससे बर्तन रखने में आसानी हो सके। ये चिमनी की लेफ्ट साइड में कैबिनेट है। यहाँ पर कुछ ओपन स्पेस और दो डोर लगे हुए हैं जिसे एल्युमिनियम प्रोफाइल से बनाया गया है और बीच में फ्रोस्टेड ग्लास लगा हुआ है। अगर आपकी किचन बड़ी है तो चिमनी आपको 3 फीट के स्पेस में लगानी है। चिमनी के बराबर में ग्लास डोर, इसके बाद ओपन स्पेस और फिर डबल डोर, ये बेहतर ऑप्शन होगा। इसके बाद किचन में ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो आज की कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। किसी भी फर्नीचर के बारे में मैं आपको संतुष्टि से बताऊंगा। तो गुड बाय दोस्तों।